नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। बैंक में चोरी करने में चोर हो रहे असफल, एट पुलिस रात भर करती है गश्त, लेकिन चोर चोरी करने में रहते हैं मस्त। मामला एट गल्ला मंडी स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का है, जहां बीती रात चोरों ने बैंक की दीवार तोड़कर बैंक के अंदर लॉकर तथा अलमारी तक पहुंच गए और लॉकर तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन उनका यह प्रयास असफल रहा। सुबह जब बैंक खुली तो सामान अस्त व्यस्त देख कर्मचारी के होश उड़ गए। आनंद फानों में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर क्षेत्र अधिकारी कोच राहुल पांडे, एट थाना अध्यक्ष विनय दिवाकर के साथ एसओजी टीम, फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट टीम घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और पूछताछ की तथा बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल इस घटना से पुलिस अधीक्षक की जालौन क्राइम फ्री को एक बार फिर चोरों ने चुनौती दे डाली। अब देखना है कि एट पुलिस इस घटना में क्या कहानी बनाती है। क्षेत्र अधिकारी राहुल पांडे ने बताया कि हमारी टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बैंक मैनेजर प्रशांत पांडे की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 20/21 धारा 511, 457, 427, 380 नाम पता अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बैंक मैनेजर ने बताया कि रुपया पैसा सामान आदि कुछ भी नहीं गया है। जल्द ही चोरी के प्रयास की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, आज चोरों ने बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है, सर क्या पूरा मामला है, कितना बैंक का सामान गया है, कुछ क्या पूरा मामला है? जनपद जालौन में के एट थाना क्षेत्र में एट पुलिस को सूचना मिली कि मंडी परिसर में जो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है, इसमें पीछे शौचालय से तोड़कर अंदर चोरी करने का प्रयास किया गया है। तो एट थाना पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और मेरे द्वारा यहाँ पे मैं आया हूँ और एसओजी सर्विलांस की टीम तथा फील्ड यूनिट की टीम है वो भी मौके पर आई। तो अंदर जाकर देखा तो बैंक का जो लॉकर है उसको पीछे से तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो टूटा नहीं है। अलमारियों को भी तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन अलमारी टूटी नहीं है। तो चोरी करने का प्रयास किया गया है। बैंक वालों से तहरीर मिली है, उसमें उन्होंने किसी प्रकार का रुपए पैसे जाने से इनकार किया है, चोरी करने का प्रयास किया गया है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।